नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श आनंद और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिज्म और पिरामिड के बारे में। दोस्तों, जो आपका प्रिज्म है और जो पिरामिड है, इन दोनों के बीच में काफी समानताएं भी हैं, ठीक है। अब दोस्तों, जहां तक बात की जाए एक प्रिज्म की, तो एक प्रिज्म के दो साइड बेस होते हैं, ठीक है। इसके दो बेस होते हैं, एक प्रिज्म के दो बेस होते हैं, जो एक उसके ऊपर की तरफ का बेस और दूसरा बेस जो होता है वो उसके नीचे तरफ का बेस होता है। जबकि दोस्तों, अगर हम बात करें एक पिरामिड की, तो पिरामिड का एक ही बेस होता है जो उसके नीचे की तरफ होता है, और उसके ऊपर किसी बिंदु पर उसके सभी साइड्स जा करके मिलते हुए प्रतीक होते हैं, ठीक है। यानी कि क्लियर कट बात हमें ये दोस्तों समझ में आ रही है कि एक प्रिज्म की दो साइड बेस होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक नीचे की तरफ, एक उसके ऊपर की तरफ। जबकि जो दूसरा है दोस्तों, वो है पिरामिड, और इस पिरामिड का एक साइड जो है वो नीचे की तरफ बेस है, जबकि जो दूसरा सिरा है वहां पर एक बिंदु पर सभी मिलते हुए प्रतीक हो रहे हैं। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में कि ये पिरामिड और प्रिज्म को बनाने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि कैसे आप एक पिरामिड और एक प्रिज्म का निर्माण कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप एक प्रिज्म या पिरामिड को आइसो एक्सिस के मदद से कैसे बनाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह कैसे होता है। अब देखिए दोस्तों, मैं यहां पर आपको बना करके बताऊंगा कि एक प्रिज्म और एक पिरामिड को बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो किस तरह से पूछे जाएंगे, और वहां पर आपको एक प्रिज्म और एक पिरामिड बनाने से पहले क्या क्या चीजें दी हुई रहेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि चाहे आप एक पिरामिड बनाए या तो एक प्रिज्म बनाए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि या तो हम लोग पिरामिड और प्रिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में जो आपका पिरामिड या प्रिज्म बनाने के लिए आएगा, वो सिर्फ पिरामिड और सिर्फ प्रिज्म नहीं होगा, उसके आगे एक शेप भी लग सकता है, जैसे हेक्सागोनल शेप, ठीक है, पेंटागोनल शेप, ठीक है, हेक्सागोनल या पेंटागोनल, इन दोनों में से कोई एक शेप आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब दोस्तों, ये जो हेक्सागोनल है, इसका मतलब होता है कि जो प्रिज्म या पिरामिड बनाएंगे आप, उसका जो बेस होगा आपका, वो छह साइड्स का होगा, ठीक है। जबकि दूसरी ओर देखिए हम लोग, अगर आपके पास पेंटागन आता है, तो पेंटागन शेप में क्या होता है, इसके फाइव साइड्स होते हैं, ठीक है। एक आपका सिक्स साइड्स का, एक फाइव साइड। तो या बनाए जाए पिरामिड या प्रिज्म, उससे पहले जो है आपका एक हेक्सागोनल पिरामिड रह सकता है, या पेंटागोनल पिरामिड रह सकता है, या फिर आपका दे सकता है हेक्सागोनल प्रिज्म, या दे सकता है पेंटागोनल प्रिज्म, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में क्या रहेगा। मान लीजिए आज हम लोग क्या करते हैं, पेंटागोनल को छोड़ते हैं, आज हम लोग हेक्सागोनल ही डिस्कस करते हैं, हम लोग आज इसको डिस्कस करते हैं, हेक्सागोनल डिस्कस करते हैं, ठीक है। सिक्स साइड इसका बेस बनेगा। दोस्तों, प्रिज्म और पिरामिड के पहले क्वेश्चन में आपके सामने हाइट दिया रहेगा, ठीक है, और इसका बेस का साइड दिया रहेगा, और इसका बेस दिया रहेगा। दो चीज आपको दिया रहेगा कि इस बेस, ठीक है, बेस जनरली क्या हो गया, ये आपका साइड बोलते हैं इसको हम लोग, है, ठीक है। साइड दिया रहेगा, बेस का साइड दिया रहेगा, जो कि मान लीजिए कि 30 mm हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका एग्जाम में रहेगा, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर हाइट जो रहेगा वो भी जो है कुछ भी नहीं ले सकता है, ठीक है। दो चीज यहाँ दे दिया है यहाँ पर है, ठीक है। पिरामिड और प्रिज्म बनाने के लिए दो चीज दिया रहेगा आपको, एक उसका हाइट दिया रहेगा, एक उसका साइड दिया रहेगा, यहाँ तक क्लियर हुआ, बेस और साइड दिया रहेगा। अब सिंपली पहले का काम करना दोस्तों, पहला जो काम होगा आपका वो होगा इस हेक्सागन को पहले बनाना, जो हेक्सागन पर दिया गया ना पेंटागन और प्रिज्म बनाने से पहले, पिरामिड और प्रिज्म बनाने से पहले आपको जो ऊपर के लिए दिया हुआ है हेक्सागन, इस हेक्सागन को पहले ड्रॉ करेंगे।
अब दोस्तों एक हेक्सागन को ड्रॉ कैसे करना है इसके ऊपर हमारे चैनल पर कई सारी वीडियोस उपलब्ध हैं। अगर आपको नहीं पता है कि हेक्सागन कैसे बनाया जाता है तो मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि आप उन वीडियोस को जाकर देख करके देखेंगे और सीखेंगे कि एक पेंटागन का निर्माण कैसे करना है। अब दोस्तों क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या करना है कि जो मैंने मेथड बताया हेक्सागन कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना आपको है कि एक हेक्सागन का आपको निर्माण कर देना है, ठीक है। अब मान लीजिए इस तरह से हमने हेक्सागन बना दिया। अब दोस्तों इस हेक्सागन को आपको एक बॉक्स के अंदर कुछ इस प्रकार से बंद कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हो दोस्तों कि मैंने इस हेक्सागन को एक क्वाड्रिलेटरल की हेल्प से इसे मैंने बंद कर दिया है ना। इन सभी को मैं बता देता हूँ, आप पेंसिल का उपयोग करेंगे सावधानी पूर्वक, आप पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, हमने इस हेक्सागन को एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर इसको बंद कर दिया, एक चतुर्भुज की तरह हमने क्या किया इसको बंद कर दिया। अब इसका नाम दे देंगे ए बी सी और डी, ए बी और सी और डी, यहाँ पर नाम दे दिया इस क्वाड्रिलेटरल्स का। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट वाली बात है कि यहाँ पर आपका क्या होगा, ए बी जो है दोस्तों ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा यहाँ पर, ठीक है, सी डी होगा। और इसके बाद इसका एक माप आएगा, जब आप इसको स्केल से मेजर कीजिएगा तो इसका क्या होगा, एक माप आएगा, है ना। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको ए सी का लेंथ लेना है और ए सी जो होगा दोस्तों वो बी डी के बराबर होगा। और इसको जब स्केल से नापिएगा तो क्या होगा, कोई संख्या आएगा और यहाँ पर भी आपका एक मान आएगा। अब दोस्तों ये जरूरी नहीं है ये दोनों माप आपका बराबर आए और ये स्क्वायर में जाकर सेट हो, कुछ मेजर और माइनर डायमेंशन में क्या हो सकता है, चेंजिंग हो सकता है। अब दोस्तों अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि अब क्या करना है कि यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए कि ए और बी लाइन पर दो कॉर्नर टच हो रहा है, ए और बी लाइन पर हेक्सागन के दो ये कॉर्नर टच हो रहा है। पहले का नाम दे देंगे वन, दूसरे का नाम दे देंगे टू। अब दोस्तों जैसा कि हमने इसको फॉलो किया है, अब दोस्तों जैसे हमने ये इक्वेशन लिया है वैसे जो A1 की दूरी है वही दूरी C1 की होगी और जो A2 की दूरी है वही दूरी C से इस कॉर्नर की दूरी होगी, ठीक है। सिंपली हम क्या करना है दोस्तों, A से C वाले क्रम में इस पॉइंट का नाम दे देना है थ्री और जो दूरी A से C तक की होगी वही दूरी आपकी B से इस कॉर्नर की भी होगी। अब सिंपली क्या करना है आपको दोस्तों, A1 का डिस्टेंस निकाल लेना है, A2 का डिस्टेंस निकाल लेना है और A3 का डिस्टेंस निकाल लेना है। यानी आपको A से इस 1 की दूरी मेजर करनी है, फिर A से 2 की मेजर दूरी करनी है और उनको जो है यहाँ पर आपको फिल कर देना है और फिर A से जो 3 की दूरी है उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। यानी कि आपको आपको जो है एक प्रिज्म या पेन बनाने से पहले ये कैलकुलेशन आपको कर लेना है। अब दोस्तों इसमें आपको जो एक चीज ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि आपने जो ये हेक्सागन ड्रॉ किया है, जो हमने ये स्क्वायर के अंदर जो हेक्सागन बनाया है, इस हेक्सागन को आप साइड जो यहाँ पर बेस दिया गया 30 mm इसको ही लेकर के बनाइए, ठीक है। यानी कि जब आप इस हेक्सागन को ड्रॉ कीजिएगा, चाहे आप आर्क मेथड से ड्रॉ कीजिए, चाहे आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से यूज कीजिए, चाहे आप आर्क मेथड से यूज कीजिए, चाहे आप बाइसेक्ट मेथड से यूज कीजिए, चाहे आप इंस्क्राइबर सर्कल मेथड से यूज कीजिए, इन सब मेथड्स में क्या कीजिएगा, ये जो आपका जो एक हेक्सागन का शेप आया है, ये हेक्सागन का शेप को आपको सही को रखना है 30 mm, ठीक है, 30 mm का रखिएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, एक हेक्सागन बनाया और इस हेक्सागन का जो हमारा साइड था वो साइड में क्वेश्चन से लिया 30 mm का। हमने सबसे पहले 30 mm का एक हेक्सागन ड्रॉ किया और उस हेक्सागन को ए बी सी और डी, ए बी सी डी नामक एक चतुर्भुज के अंदर बंद कर दिया। अब हमने ए बी बराबर सी डी लिखा, ए सी बराबर बी डी लिखा, ए सी बराबर बी डी लिखा और इनका एक हमने स्केल से मेजरमेंट करके आप इसका नाप भी ले लीजिएगा। फिर हमने इसके सभी कॉर्नर को, ए से वन के कॉर्नर को, ए से टू के कॉर्नर को और ए से थ्री के कॉर्नर का भी हमने लिखा और हमने भी स्केल से इसका माप हमें भी क्या करना है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इन सभी माप्स को निकाल लेना है, सारे मेजरमेंट्स को हमें निकालना है। अब दोस्तों सिंपली क्या करना है, वो ये सारे जो मेजरमेंट जो है खाली है, जब आप पहले बारीकी से इसको बनाइए और इसको बनाने के बाद ये सारे जो मेजरमेंट्स हैं इसको आपको निकाल लेना है।
अब दोस्तों सिंपली क्या करना है, ये तो एक प्रोसेस आपने देखा जिस प्रोसेस में हमने हेक्सागन ड्रॉ किया, हेक्सागन हमने ड्रॉ किया। अब हम दूसरे पार्ट में चलते हैं और यहाँ हम लोग जो है देखेंगे कि हम लोग एक पिरामिड का निर्माण कैसे करते हैं। तो दोस्तों एक पिरामिड बनाने से पहले, अब दोस्तों एक पिरामिड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आपको एक ग्राउंड लाइन लेना पड़ता है और ग्राउंड लाइन में किसी एक पॉइंट का आपको नाम रखना पड़ता है और वो नाम आपका ए रहेगा। अब दोस्तों सिंपल सी बात है कि जो ये ए भाई साहब आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये ए दरअसल यही वाला ए है, ठीक है। अब दोस्तों आपको 30 डिग्री इसके राइट साइड में जाना है और 30 डिग्री इसके लेफ्ट साइड में भी आना है, ठीक है। 30 साइड इसके राइट में जाना है और 30 साइड कहाँ जाना है, और 30 सेट का जाना है इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो सेट स्क्वायर के हेल्प से आपको क्या कीजिएगा कि जो ए से जो बी है वो ड्रॉ कर लीजिएगा, जो डिस्टेंस आएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ए से बी का डिस्टेंस ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपका ए से बी का डिस्टेंस जहाँ डिस्टेंस था दोस्तों वही डिस्टेंस क्या कीजिएगा, ए से बी का डिस्टेंस यहाँ ले लीजिएगा। और एक दूसरे तरफ क्या है, जो डिस्टेंस दोस्तों ए से सी के बीच में यहाँ पे था वही डिस्टेंस आप ए से सी के बीच में यहाँ पर उठक रहेगा, ठीक है। उतना आप लोगों ने माप किया, ए से बी तक लिया, बी से सी तक लिया। अब इसके पैरल यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री पर और इसके पैरल इसको मिला देंगे और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे और उसका नाम दे देंगे डी तक का मामले का। अब क्या करना है सिंपली दोस्तों, ए से बी तक में, ए से बी जाने के रास्ते में आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर कि पॉइंट वन था और पॉइंट टू था और इसके बाद हमने यहाँ निकाला था पॉइंट ए पॉइंट टू। अब सिंपली क्या करना आपको है, पॉइंट ए से बी तक में, ए से बी तक में दो पॉइंट आएगा पॉइंट वन और पॉइंट टू। अब जैसे ये दोनों पॉइंट वन और पॉइंट टू आया है उसी प्रकार इसके नीचे की तरफ सी से डी के गर्म होने के लिए दो पॉइंट है और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पर करना आपको है सी से डी के रास्ते में दो पॉइंट इस तरह से आपको ले लेना है। अब दोस्तों देख सकते हैं कि ए से थ्री के बीच में भी एक पॉइंट है, ए से सी के बीच में भी क्या है एक पॉइंट है थ्री। तो ए थ्री का मेजरमेंट आप यहाँ पर निकालिएगा, है सब कुछ निकालिएगा। तो ए से सी के क्रम में भी एक पॉइंट यहाँ जाएगा और ठीक बी से डी के क्रम में भी एक पॉइंट यहाँ पर है, उसका मेजरमेंट आप यहाँ ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आ चुके हैं बिल्कुल इसकी तरह। सिंपली हम क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को मिला देना है सावधानी पूर्वक, आप स्केल का प्रयोग कीजिएगा सही से और इन सभी को हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, आईएसओ एक्सिस पर एक हेक्सागन का निर्माण कर लिया है। अब सिंपली दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर हमने क्या किया है, क्वेश्चन की एक चीज को फॉलो किया है वो है जो हमारा बेस का साइड। अब दोस्तों हमारे बेस का साइड यहाँ पर कितना निकल करके आ गया है 30 mm। अब हमें इसके क्वेश्चन के दूसरे जो हमारा हाइट दिया गया है उस पर जाना है, हाइट कितना है 120 mm। अब दोस्तों 120 mm दिया गया है यानी सबसे पहले क्या करना है इसका सेंटर ढूंढ लेना है, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका सेंटर मिल जाएगा, इस सेंटर से ऊपर चले जाना है, यहाँ पर पॉइंट मार देना है एच पर और ये जो दोस्तों ओ से जो एच की दूरी रहेगी, ये जो दूरी निकल के आई है ओ से एच पर ये दूरी रहेगी वो आपका हाइट अकॉर्डिंग 120 mm के अकॉर्डिंग ही होगा। अब दोस्तों आपको आगे करना है प्रोसेस में, आगे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट था, अब इस पर क्या करना है आपको अपने सेट स्क्वायर को रख करके इसके सभी साइड्स को मिला देना है, ठीक है। जैसे इससे इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मैं मार्कर उपयोग कर रहा हूँ बट आप इसको क्या कीजिएगा HB की डार्क पेंसिल से इसको सही से मिलाइएगा। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने मार्कर का, दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने मार्कर का यूज किया है बट आपको किसका यूज करना है, आपको HB और 12th की पेंसिल से सही तरीके से बनाना है। दोस्तों 12th ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग आप किस लिए करेंगे, लाइट लाइंस के लिए, हल्की रेखाओं के लिए 12th पेंसिल का उपयोग करेंगे और जो मोटी रेखाओं होगी जिससे आप इस हेक्सागन कंस्ट्रक्शन करेंगे वो जो लाइंस होगी HB की पेंसिल से खींची जाएंगी। अब दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका क्या हो गया, एक हेक्सागन की आकृति आपका
अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, लाइट लाइन और डार्क लाइन का कॉम्बिनेशन करना है। और फिर आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो पिरामिड है वो पिरामिड हमारा बन चुका है, जिसका ये जो हाइट दिया गया है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 120 mm होगा जब आप बनाइएगा। और इसका जो बेस का जो साइड है वो भी इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने यहाँ पर ये 30 दिया था इसलिए वहाँ भी क्या होगा वो 30 होगा। अब एक बात ध्यान देना दोस्तों आपको कि आपका अपना ये कैलकुलेशन है इसको सही से करना है, ठीक है, ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही से करना है। अगर आपका ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगा तो ये आपका परफेक्टली बन जाएगा। अब जानते हैं हम लोग हैं कि आपने पिरामिड कंस्ट्रक्शन तो कर लिया, हम लोग प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों सिंपल, जैसे हमने इस हेक्सागन को हमने ड्रॉ किया एक आइसो एक्सिस पर, वैसे क्या करना आपको है कि आपको यहाँ पर